इसलिए जिन जिन के मन में ये बात है कि भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मैं ऐसे कई अपने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूँ, कई क्रिश्चियन दोस्तों को जानता हूँ, कई हिंदू दोस्तों को भी जानता हूँ, जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि क्या हमारा देश एक धार्मिक राज्य बनने वाला है, हिंदू स्टेट बनने वाला है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इस बात से बड़े उत्साहित रहते हैं, जिनको लगता है कि बस अब तो हिंदू राज्य बनने ही वाला है। कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद नाम का एक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर तोड़ा गया था। जब वो तोड़ा गया तो कांग्रेस की सरकार, श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जिसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है कि वो सरकार दबाव में आ गई। तो सरकार ने कई फैसले ताबड़तोड़ किए, जिसमें से एक फैसला ये था कि आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया। कहते हैं कि इंदिरा गांधी के दबाव में नेहरू जी को ये बात माननी पड़ी और केरल में पहली बार स्टेट इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई। क्या भारत की न्यायपालिका सेकुलरिज्म के मुद्दे पर खरा उतर पाती है, और यदि उतर पाती है तो कितना उतर पाती है, ये थोड़ा सा डिटेल्ड मामला है। तो जहां तक हमारे जुडिशरी का प्रश्न है, मैं ये कह सकता हूं कि सामान्यतः उसकी नेचर न केवल सेकुलर रही है, बल्कि उसने भारत के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की है। इसको हम कुछ हिस्सों में बांटकर देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका ने, न्यायपालिका का मतलब ऐसे मामलों में होता है सुप्रीम कोर्ट और कुछ मामलों में हाई कोर्ट जो हमारे पास राज्यों में है, उतना ही, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का प्रसंग हो या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जब फैसले होते हैं तो यही हायर जुडिशरी ही करती है। हायर जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट एंड अबव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान दिया, उसने ये स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म हमारे संविधान का मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक बात तो मैं लिखता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर, और फिर आपको ये बात थोड़ी समझाता भी हूँ कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। अगर आपने वो वीडियो देखा हो, एक वीडियो मैंने बनाया था केशवानंद भारती केस पर, 24 अप्रैल को उस केस की जो तिथि है उसी पर उसको अपलोड किया था इसी वर्ष में 2020 में ही। उसने विस्तार में समझाया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और ये डॉक्ट्रिन कैसे डेवलप हुई। और केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, जिसका फैसला 24 अप्रैल 1973 को आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि उसके पहले कई मामले, सज्जन सिंह मामला, गोलकनाथ मामला, उन सब मामलों से जो डिस्प्यूट थी उनको विराम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास है, ये बात ठीक है, लेकिन संसद के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान में कुछ भी बदल सके। 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी जी ने करवाया था संविधान में, जिसका भाव ये था कि भारत की संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है। और उसके बाद उसने तेजी से संविधान में संशोधन किए भी, 25वां किया, 26वां किया, 29वां किया। 29वें संविधान संशोधन के विरुद्ध मुख्य रूप से केशवानंद भारती केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें थोड़ा बहुत जिक्र 25 का भी था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है, ये बात जनरली ठीक है, लेकिन संशोधन का मतलब ही है कि कोई खराबी आ गई तो आप ठीक कर दीजिए। संशोधन का मतलब किसी बिल्डिंग को गिरा के फिर से खड़ा करना नहीं है, वो तो रीबिल्डिंग है, रीराइटिंग है। तो संविधान को फिर से लिखने का अधिकार और संविधान जो लिखा हुआ है उसमें कुछ जरूरी संशोधन करने का अधिकार, इसमें अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। और संविधान के तहत संसद के पास संशोधन की शक्ति है, पुनः लिखने की शक्ति नहीं है। और तब उसने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें भारत की संसद भी कितने भी बहुमत से संशोधन नहीं कर सकती है। और साथ में ये भी कहा कि उसमें क्या क्या आता है, मूल ढांचे में क्या क्या आता है, ये एक लिस्ट बनाना संभव नहीं है। समय समय पर जुडिशरी बताएगी कि ये भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और ये चीज संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। 1993 का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, जिसका जजमेंट 1994 में आया। इस केस का नाम था SR बोम्मई का मामला। मुझे उम्मीद है कि अगर आप भारत का संविधान पढ़ते हैं तो आपने इस केस का नाम जरूर सुना होगा, बेशक आपको इस केस का बहुत आइडिया ना हो। मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ कि इस केस में क्या हुआ था। SR बोम्मई केस का मामला क्या था, इसका संबंध बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 356 के साथ था। और मेरा ख्याल है कि भारत में बहुत बेसिक बातें जानने वाला व्यक्ति भी ये तो जानता ही है कि संविधान का अनुच्छेद 356 वह अनुच्छेद है जिसकी मदद से केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाती है, जिसको स्टेट इमरजेंसी या राज्य आपात भी कहा जाता है। और इसका खूब दुरुपयोग होता आया है। इसका पहला स्पष्ट दुरुपयोग केरल में हुआ था, 1969 के समय की बात है, जब केरल एजुकेशन बिल आया, बहुत विरोध हुआ। उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई थी एक साल के लिए, और
कहते हैं कि इंदिरा गांधी के दबाव में नेहरू जी को ये बात माननी पड़ी और केरल में पहली बार स्टेट इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई। हालांकि उससे पहले पंजाब में भी लगा था और वो जरूरी मामलों में लगा है उससे पहले भी, लेकिन दुरुपयोग की परंपरा शुरू हुई 1959 से और उसके बाद तो इतना दुरुपयोग उसका हुआ। 1970 के दशक में दुरुपयोग का जो लेवल देखा गया, 70 के दशक में, 80 के दशक में हालत ये थी कि जब भी कोई नई केंद्र सरकार बनती थी तो जिन भी राज्यों में किसी विरोधी पार्टी की सरकार होती थी उन सबको एक साथ सैक कर देना, उन सब में एक साथ आर्टिकल 356 का प्रयोग कर देना एक परंपरा बन गई थी। और ये परंपरा लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। राज्यपाल की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि राज्यपाल किसी चुनी हुई सरकार को परेशान कर सकता था। ये मामला बेसिकली उसके बारे में था। और ये 1993 का मामला है। 1993 के मामले का मतलब ये हुआ कि इस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जो 1991 से 1996 तक चल रही थी। मामला क्या था कि मामला ये था कि 356 का प्रयोग उस समय लगभग 7 राज्यों में किया गया था, जिनमें से 4 राज्य थे जिनमें बीजेपी की सरकार थी। और वो 4 राज्य कौन से थे? एक तो था उत्तर प्रदेश, एक था राजस्थान, एक था मध्य प्रदेश और एक था हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है ये 1992-93 की बात हो रही है। उस समय तक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय तक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का मतलब होता था जिसमें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, क्योंकि ये सब जो नए राज्य बने हैं 2000 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उन्होंने बनाए थे, उससे पहले ये राज्य नहीं थे। तो 4 राज्य थे बीजेपी की सरकार वाले, इन 4 में राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके अलावा एक राज्य था कर्नाटक जिसके मुख्यमंत्री थे SR बोम्मई, एक राज्य था मेघालय और एक राज्य था नागालैंड। इन सब राज्यों में अलग अलग वजहों से कहते हैं कि राज्यपालों ने थोड़ी बहुत शरारत की, चंचलता की, बदमाशी की और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था कर दी। कर्नाटक में तो हालत ये हुई, कई राज्यपाल इतने बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे उस जमाने में कि बहुमत है या नहीं सरकार के पास अपने घर पे फैसला करते थे विधायकों को बुलाकर, उनको लग गया बहुमत नहीं है तो बहुमत नहीं। और तब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बहुत स्पष्ट निर्देश देने पड़े थे। निर्देश क्या थे? ये मामला मुख्यतः आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के बारे में था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता इसमें कहां से आ गई? 1992 में आपको अच्छे से पता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद नाम का एक स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर तोड़ा गया था। जब वो तोड़ा गया तो कांग्रेस की सरकार श्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जिसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है कि वो सरकार दबाव में आ गई। देश भर में माहौल खराब हुआ, ये भी एक पक्ष था ही। तो सरकार ने कई फैसले ताबड़तोड़ किए जिसमें से एक फैसला ये था कि RSS को प्रतिबंधित किया गया और सब राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि RSS और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को कंट्रोल करें, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। अच्छा, हमारे संविधान में ना कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कहते हैं कि यदि केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया है और राज्य उसका पालन नहीं करता है तो यह आर्टिकल 356 के प्रयोग की पर्याप्त शर्त है। यदि आपको मौका मिले तो आर्टिकल 365 थोड़ा संविधान का पढ़िए तो आपको वो देख के समझ में आएगा कि इसका क्या प्रसंग है। केंद्र सरकार ने सब राज्यों को निर्देश दिया, इन 4 राज्यों में सरकार थी बीजेपी की और बीजेपी का मतलब है कि बीजेपी के जो राजनीतिक लोग हैं वो सामान्यतः RSS के बैकग्राउंड से ही आते हैं। और ऐसा देखा गया कि इन 4 राज्यों में सरकारों ने RSS की गतिविधियों को कंट्रोल करने की बजाय उनको प्रशय देना शुरू किया, उनको सपोर्ट करना शुरू किया। और मतलब कहा जाता था उस दौर में कि RSS के जो लोग छिपना चाह रहे थे वो सारे इन 4 राज्यों में थे और 4 राज्यों की सरकारें उनको पूरी तरह से अभयारण्य की तरह से स्थितियां प्रदान कर रही थी, ये आरोप था। इस आरोप की बिना पे, इस आरोप के आधार पर इन 4 राज्यों में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। कर्नाटक बहुमत का मामला था, मेघालय नागालैंड में बहुमत का मामला था। और आपने एक कानून का नाम सुना होगा, आजकल बहुत चर्चाओं में चल रहा है, उस कानून को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी अधिनियम। वो भी एक बहुत डिबेटेबल मामला था, उसको लेकर भी डिस्प्यूट्स इसके अंतर्गत शामिल हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि इन सबके खिलाफ केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलों को इकट्ठा मिला के केस का नाम कर दिया SR बोम्मई एंड अदर्स, ये मामला बना दिया। और इस मामले में इन सातों के सातों केसेस को ध्यान से सुना, और जब सातों केसेस को ध्यान से सुना तो जो फैसला दिया अंत में, फैसला ये था कि जो बीजेपी के 4 राज्य थे उन 4 राज्यों में आर्टिकल 356 का प्रयोग वैध है, उसने ये कहा। क्यों वैध है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है वो हमारे देश के संविधान का मूल ढांचा है, और यदि किसी राज्य की सरकार सेकुलरिज्म का ध्यान नहीं रख पा रही है, यदि किसी राज्य की सरकार
सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलने से मना कर देती है और केंद्र के निर्देशों को नहीं मानती है जो कि सेक्युलरिज्म के पक्ष में निर्देश हैं। तो किसी राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के मामले में हम धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा मानकर अनुच्छेद 356 के प्रयोग को वैध मान सकते हैं। बाकी राज्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गलती को माना, एसआर बोम्मई के मामले में केंद्र सरकार की गलती को माना, 356 के प्रयोग को गलत साबित किया, लेकिन इस मामले में नहीं किया और तर्क ये दिया कि धर्मनिरपेक्षता आज से संविधान का मूल ढांचा माना जाए, केशवानंद भारती केस के तहत जो व्याख्या की गई थी उसके तहत। और इसका मतलब ये हुआ कि 1994 के इस जजमेंट के बाद से स्थिति ये है कि भारत के संसद और भारत के सारे राज्य विधानमंडल अगर मिलकर भी संविधान संशोधन कर दें कि भारत एक सेक्युलर स्टेट नहीं है तो भी ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत में संविधान की सही व्याख्या करने की अंतिम शक्ति रखता है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ये व्याख्या कर चुकी है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। ये बात मैं विशेष रूप से उन साथियों से कहना चाह रहा हूं जिनके मन में ये बैठा हुआ है कि यदि इंदिरा गांधी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष न लिखवाती, पंथ निरपेक्ष न लिखवाती तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का होना न होना इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के संविधान के 50 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या सेकुलर घोषित करते हैं, बताते हैं। और अब तो ये संविधान का मूल ढांचा हो गया, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए जिन जिन के मन में ये बात है कि भारत बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, मैं ऐसे कई अपने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूँ, कई क्रिश्चियन दोस्तों को जानता हूँ, कई हिंदू दोस्तों को भी जानता हूँ जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि क्या हमारा देश एक धार्मिक राज्य बनने वाला है, हिंदू स्टेट बनने वाला है। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो इस बात से बड़े उत्साहित रहते हैं, जिनको लगता है कि बस अब तो हिंदू राज्य बनने ही वाला है। ऐसा नहीं है। भारत की कोई भी सरकार, भारत की कोई भी संसद चाहकर भी हमारे संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। भारत को पंथ निरपेक्ष रहना होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी धर्मों का सम्मान करना होगा, जो किसी भी अच्छे राज्य के लिए कसौटी होनी भी चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है।